अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद बख़ैर आगले मरहबा हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो ना ही कोई टॉक शो है और ना ही कोई व्लॉग है। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है और वो होने वाली है हमारे वायरलेस माइक की अनबॉक्सिंग, जो कि आज से पहले ना मैंने कभी यूज़ किया और ना कभी मैंने अनबॉक्सिंग की है। और ये वायरलेस माइक मैंने क्यों लिया और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस बारे में हम बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम के बाद। तो चलो चलते हैं। हाँ तो भैया जी, ये माइक हमारे हाथ में आ चुका है और इसकी फ़र्स्ट जो पैकिंग होती है ये एक पेपर में होती है, जिसको हम पूरा देसी माहौल के साथ खोलते हैं। आज से पहले आपके भाई ने कभी भी अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं की, तो लेट्स सी कि एक्सपीरियंस कैसे रहता है। और बाजू को इग्नोर करना क्योंकि आज 14 अगस्त है। खैर, तो बॉक्स ओपन करने के बाद हमें मिलते हैं जी ये दो चीज़ें। एक तो इसकी इनपुट है, सॉरी ये है माइक, जिसको हम ज़रा देसी माहौल से खोलते हैं। तो भैया जी, ये टाइप सी और ये माइक हो गया। इसको हम मोबाइल के अंदर अटैच करेंगे और इसको हम अपने हाथ में पकड़ेंगे, क्योंकि वायरलेस माइक है। इसके बेनिफिट्स है कि इसका तार वार कुछ नहीं होती। खैर, ये दो चीज़ें हो गई, इसको हम करते हैं फ़िलहाल इधर साइड पे रखते हैं और अंदर बॉक्स में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो भैया जी, केबल, तो भैया जी इसके अंदर से आई थिंक सो केबल होगी टाइप सी की। हाँ, टाइप सी की केबल है। ये तीन चीज़ें होगी। और ये एक और चीज़ जो हमने एक्स्ट्रा मंगवाई है वो है आईफोन के लिए हमने जैक सा, कभी आईफोन में भी यूज़ करना पड़ जाता है, तो हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे एंड देन इसको फिर हम आईफोन के साथ, फ़िलहाल आईफोन है तो नहीं लेकिन जब आ जाएगा तो इसके अंदर ऐसे अटैच करके ना, यहाँ से यूँ आई थिंक सो ऐसा ही होता है, हाँ तो इसके अटैच हो जाएगा। तो भैया जी, इसके अलावा मिलता है जी यूज़र मैनुअल, जो कि कोई नहीं पढ़ता। खैर, हम भी नहीं पढ़ेंगे, अब हमारा काम है इन दोनों से, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। हाँ तो भैया जी, अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये K8 माइक, जो वायरलेस माइक कनेक्ट है। इसमें एक और वेरिएंट आता है Q8। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उसके साथ आईफोन जैक नहीं आता और इसके साथ आईफोन जैक आता है, बस ये डिफरेंस है। बाकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ मोबाइल से और हवा भी चल रही है, तो क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब इसके अलावा नॉइस कैंसलेशन की बात करें तो वो भी एक हद तक आई थिंक सो ठीक है, आप सुन रहे होंगे। हम इसकी रेंज का ट्राई करते हैं कि कहाँ तक ये जा पाता है। काफ़ी दूर तक तो मैं आ गया हूँ आई थिंक सो, इतनी दूर से ही इंसान इंटरव्यू वगैरह करता है। खैर, ये माइक जो मैंने परचेज़ किया, एक तो हम टॉक शो के लिए किया और एक व्लॉगिंग के लिए किया। रेंज और क्वालिटी आपने देख ली, अब बात करते हैं हम इसकी व्लॉगिंग की। तो भैया जी, अभी टेस्ट हो रहा है व्लॉगिंग का इस माइक के साथ। मुझे तो अभी तक क्वालिटी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है इसकी और आई थिंक सो पैसा वसूल वाली बात है। आप बताएं आपको क्वालिटी कैसी लग रही है इसकी, और इंशाल्लाह हम इसको यूज़ करेंगे अपने व्लॉग्स में, अपने टॉक शो में, और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई है। और अगर आपने भी लेनी हो तो ले लीजिएगा, K8 मेरे पास है, आप Q8 भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये बाजे आप सुन सकते हैं क्योंकि आज है 14 अगस्त। तो खैर, आप सबको जिसने आज़ादी मुबारक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।